पूरी रात बॉडी यहाँ पे रही और अभी आके पुलिस होने के बावजूद भी पूरी रात यहाँ पे बॉडी रही। सुबह पुलिस आती है यहाँ से बॉडी बिना गार्जन के उठा के ले जाती है, बिना गार्जन के। हेलो, उतने में जो एक सीखने वाला जो यहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं, महिलाएं जो हैं, नर्स जो हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे तीन शीशियाँ तोड़ी जाती है, पर किस चीज़ की दवाई की और इंजेक्शन में भर के जो पेशेंट वहाँ पे जो होता सीरियस जिसका जो जहर खा रखा था उसको वो इंजेक्शन शायद लगना था, पर उन्होंने वो इंजेक्शन जो है यहाँ पे लगा दिया जो एक नॉर्मल बुखार था। तो उस इंजेक्शन लगाने के बाद सिर्फ वो लड़की 5 या 10 मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म, डेड हो जाती है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, वही डॉक्टर ही मरीज के साथ लापरवाही कर जाए तो वही डॉक्टर भक्षक बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मंगलवार शाम तबीयत बिगड़ने के कारण जौनसार क्षेत्र से 18 वर्षीय लड़की निशा को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पुत्री को गलत इंजेक्शन देकर मारा गया है, जिसके चलते युवती का शव देर शाम से ही इमरजेंसी के बेड पर रखा हुआ था। वहीं सुबह पुलिस के आने के बाद मॉर्चरी में लड़की के शव को शिफ्ट करा दिया गया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की UK 24x7 के लिए देहरादून से। कल रात को निशा नाम था लड़की का, वो हमारी समालटा जो है वहाँ से आई हुई थी, उसको नॉर्मल फीवर था, उनको फीवर था, फीवर के केस में ये था सस्पेक्ट था कि डेंगू ना हो, आजकल चल रहा है, वो यहाँ पे लेके आए। जैसे यहाँ पे लेके आए और वो पर्चा बनाने के लिए गए, वो लड़की खुद चल के आई है और उसकी माँ और वो वहाँ पे बैठी है, बेड पे बैठी है। और उसी समय दूसरे पेशेंट भी थे यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र के थे, वो औरत ने जहर खा लिया था, तो उसके लिए डॉक्टर, उसका भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। जैसे ही निशा आई और उसका पर्चा बनाने के लिए भाई गया और नर्स आई यहाँ पे, नर्स आई, उन्होंने 3 इंजेक्शन जो शायद जो हमारा सस्पेक्ट, मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कि यही हुआ था कि वो तीन इंजेक्शन जो पॉइजन वाली लेडी को लगना था, वो जो बुखार वाली लेडी है उसको लगा दिया और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इमीडिएट उसके मुंह से ब्लड आया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वो बहुत तेज चिल्लाई। और उस समय हम जो बचना जी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उसकी माँ वहीं पे बैठी थी, लड़की भी वहीं बैठी थी और वहीं पे वो लड़की ढेर हो गई है। और उसके बाद उनकी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, यहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत था और भी जो भी थे, वो वीडियो पूरी है, इतना बुरा व्यवहार, एक किसी की बेटी की डेथ होती है और उसकी माँ को भगाया जाता है और लोगों के साथ उल्टा सीधा गाली गलौज किया जाता है और वो बेचारी यहाँ पे लेटी हुई है और उसके बाद मरने के बाद भी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि भाई जब तक इसका जो है कार्यवाही नहीं होगी, यहाँ से बॉडी नहीं हटनी चाहिए। ये लोग, हम लोग सब सुबह आए रिकॉर्ड लेने के लिए रूम में गए, फिर पुलिस आई बात करने के लिए, जब तक सब लोग वहां इकट्ठा हुए बॉडी गायब, किसी की सिग्नेचर नहीं है, बिना पूछे बॉडी को यहां से आप कैसे जो शवगृह है कैसे पहुंचा सकते हैं, आपको पूछना, इतनी बड़ी केस हो गई है, एक चलती फिरती लड़की को आपने मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद सीधे आप लाश को ठिकाने लगाते थे। और आज तक, अभी तक यहाँ पे हम लोग जब आए, हमने सीएमओ को कॉल करने की कोशिश की, सीएमओ ने फोन नहीं उठाया, धन सिंह रावत के पीए से यहाँ के दून हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का नंबर लिया, उनको कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम क्या, हम जानवर है कि आप पहाड़ पे मरने के लिए छोड़ दें? हॉस्पिटल आपने क्यों बनाया? 2 करोड़ की बिल्डिंग आपने क्यों खड़ा की है? जब आपको नियुक्ति उनकी वहां पे नियुक्ति क्यों दिखाई है? आप यही नियुक्ति दिखाई है, प्लेन में नियुक्ति दिखाई है, पहाड़ का पैसा क्यों ले रहे हैं? पहाड़ की सैलरी लेनी नहीं चाहिए उनको जब वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, बहुत लंबा पोस्टमार्टम करा दीजिए, हम जो भी जो कल्प्रिट होंगे उनको सजा देंगे। लेकिन हमारी मांग है कि जब हमको पता है कि उनको जो पहले उस समय ड्यूटी पे जो थे डॉक्टर्स, उनको सस्पेंड होना जरूरी है ना, वो सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले वो डॉक्टर सस्पेंड होने चाहिए, फिर उसके बाद जो पंचनामा होगा उसमें जो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे उनका एक पैनल बनना चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि साक्ष्य को किसी भी तरह से मिसयूज ना किया जाए, हटाया जाए। बैठे
उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, सबसे पहले तो जब हम यहाँ आए घटना का पता लगा तो हमने पहले सीएमओ को कॉल किया, सीएमओ ने कोई कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य सचिव आर राजेश जी को कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया और उनको मैं उनके संज्ञान में ये मामला लाया तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अंदर हम डेलीगेशन गया तो हम मिले तो हमारी सीधी सी ये मांग है कि अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जो इंजेक्शन एक पॉइजन खाई हुई एक औरत को लगना था वो इस लड़की को लगा दिया, तो सीधा सा ये मतलब है कि उसकी हत्या की गई। सीधी सी ये बात है कि जो भी दोषी है, जो इसमें दोषी है 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। और सबसे पहले प्रथम हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि उनको पहले सस्पेंड किया जाए, सेकंड स्टेप उनका पंचनामा करके फिर पीएम रिपोर्ट एक पूरी जो डेलीगेशन मतलब एक पैनल होगा डॉक्टर का, दो या तीन डॉक्टर का पैनल हो और उसमें पूरे वीडियोग्राफी के साथ पूरी पीएम करवाई जाए और उसके बाद जो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तव में आता है तो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए इनको, क्योंकि दून हॉस्पिटल में हम लोगों ने ही आना है, हमारे लोगों ने ही आना है। पूरे अगर आप देखें तो पूरा पहाड़ से कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यहीं आता है और अगर यहाँ पर लापरवाही इस प्रकार की हर बार होती रही, ये कोई पहला केस नहीं है, तो ये लोग आगे भी ऐसा करते जाएंगे। इस केस के बाद हम इन्हें वापस तो नहीं ला पाएंगे परंतु एक नसीहत ऐसी दे जाए कि भविष्य में इस प्रकार के यहाँ पर आए दिन इस हॉस्पिटल में जब हमारे जौनसार बावर के लोग आते हैं ना तो इसी तरह से होता है। कई बार हम 12 बजे रात को आते हैं फिर एडमिट कराते हैं 1 बजे, जो नॉर्मल इंसान आता है उसका सुना ही नहीं जाता। और हमारे यहाँ पहाड़ों में हमें क्यों मजबूरी से देहरादून आना पड़ रहा है, जो हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति तो की गई है, उनकी पूरी अटेंडेंस आती है, सैलरी मिलती है, लेकिन कभी वो पहाड़ में नहीं बैठते, वहाँ पे बड़े बड़े ताला बनते हैं। आई हुई थी, उसने जहर पी लिया था तो हम बैठे हुए थे यहाँ पे, एक लड़की आई और एक महिला आई, वो यहाँ पे बैठ गए तो ओम प्रकाश जी ने बोला कि भाई ये जौनसारी है। मैंने बोला आप जौनसार से हो? क्या जी सियाया से हैं कि सियाया क्या बोलते हैं समालटा से। और मैंने बोला क्या हुआ बेटा कि बुखार है? मैंने बोला हो जाएगा ठीक। वो हंस रही, बातें कर रही, उसकी मम्मी भी बातें कर रही, तब तक एक डॉक्टर आया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि बेटा आपको बुखार है? उन्होंने बोला कि हाँ बुखार है, कि दर्द भी हो रहा कहीं शरीर में कि ना, कि और क्या प्रॉब्लम है क्यों, और मैं ठीक हूँ। तो एक उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगा दो, नर्स गई वहाँ पे, उन्होंने तीन शीशियाँ तोड़ी ऐसे, एक पहले तोड़ी तो उसको भरा, फिर दूसरी तोड़ी, तीसरी तोड़ी, फिर ले आई और जैसे ही लगाया सर, वैसे ही वो लड़की जैसे ही लगाया वैसे ही उसने हाथ पकड़ा कि चिल्लाई वो आकड़ा, फिर अपनी मम्मी को उसने पकड़ा कि मम्मी ऐसे बोला, फिर जोर से चिल्लाई हो, फिर लड़की का एकदम रंग बदल गया सर, जो उसके पैर के तलवे हैं वो पीले पड़ गए। सर डॉक्टर के पास क्यों आते हैं लोग कि जान बचा दे हमारी, भगवान मानते हम डॉक्टर को, यहाँ तो ये जानवर बने हुए राक्षस बने हुए और हम पहाड़ से दुर्लभ क्षेत्र से इतने भरोसे में आते कि हमारी जान बच जाए और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जो लड़की जब चिल्ला रही थी उसकी माँ को बाहर भगा दिया, तो सर इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ये तुरंत सस्पेंड हो, अन्यथा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहाँ पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्ज़ाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी MS डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी और उसी के आगे फिर हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। हाँ देखिए बिल्कुल, उनको देखिए हमेशा कोई भी इस तरह का केस संज्ञान में आने पर हम लोग हमेशा उनको वार्न करते रहते हैं और चूंकि इस केस में काफ़ी गंभीर आरोप है तो जब तक इंक्वायरी चल रही है उन सभी एक डॉक्टर और बाकी 3 स्टाफ को हमने वहाँ से हटा दिया गया है। देखिए ये आगे पुलिस इंक्वायरी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो पोस्टमार्टम करना चाहेंगे, FIR करना चाहेंगे तो उनके ऊपर आएगा।